हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये दो स्टेशनरी सेट, जिसमें से एक स्टेशनरी सेट से एनिमल एंड फ्रेंड्स का और दूसरा है पांडा एंड बियर का स्टेशनरी सेट। सो ये काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल सेट्स है एट दिस प्राइस रेंज, और इसका प्राइस ओनली 65 रुपीज़ है। एट द बैक में इसकी ओरिजिनल MRP 145 रुपीज़ है, बट ये मुझे 65 रुपीज़ का मिला। सबसे पहले तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको पांडा एंड बियर स्टेशनरी सेट। सो ये काफ़ी अच्छे स्टेशनरी सेट्स है एट दिस अफोर्डेबल प्राइस, और रिटर्न गिफ्ट के लिए तो काफ़ी अच्छे स्टेशनरी सेट्स हैं। ओपन करते ही यहाँ पे मिलता है एक पेन होल्डर, और पेन होल्डर में मिलती है हमें 4 सेट्स ऑफ पेंसिल्स। देख सकते हो काफ़ी अच्छी से ये अट्रैक्टिव पेंसिल्स हैं, और इस पे बना हुआ है पांडा का कार्टून, और एक स्केल मिलती है जो कि एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की स्केल है। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मिलती है इसमें भी पांडा का कार्टून, और साथ में है रेनबो का भी कार्टून। काफ़ी अट्रैक्टिव स्केल है ये भी। अंदर ये मिलती है हमें एक ये पांडा की नोटबुक, और इसमें मिलते हैं अनरूल पेजेस वाइट कलर के। सो काफ़ी अच्छी साइज की ये नोटबुक है। और अंदर ये मिलता है इस पेंसिल होल्डर में एक शार्पनर, और साथ में है एक इरेजर। इरेजर पर भी पांडा का कार्टून बना हुआ है। सो इतनी ही चीजें हमें मिलती है इस पेन होल्डर के अंदर, और ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि ये पेन होल्डर है जिसपे बना हुआ ये पांडा एंड बियर का कार्टून। अब काफी अट्रैक्टिव है ये पेन होल्डर भी, ट्रांसपेरेंट पिंक कलर का, बट ये थोड़ा सा ऊपर साइड से ब्रेक है, शायद शिपिंग के टाइम थोड़ा सा ये ब्रोक हो गया। बाकी ओवरऑल मुझे ये स्टेशनरी सेट बहुत ही अच्छा लगा। हमारा सेकेंड स्टेशनरी सेट जो कि है एनिमल एंड फ्रेंड्स का स्टेशनरी सेट, काफ़ी अट्रैक्टिव बॉक्स है जैसे कि आप देख सकते हो। एट द बैक में भी कार्टून्स बने हुए हैं। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओपन करके देखते हैं तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो ये रहे हमारे स्टेशनरीज, जैसे कि देख सकते हो इसमें पेंसिल्स, मैकेनिकल पेंसिल्स, और साथ में एक सीजर इंक्लूड किया गया है। सीजर प्लास्टिक की है, और इससे पेपर्स कट जाते हैं, बट पॉलिथीन कटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सीजर है, कोई इंजरी का डर नहीं रहता इसमें। और इसमें मिलते हैं ये मैकेनिकल पेंसिल जिसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा प्रिंट बना हुआ है। और टॉप से आप इसमें लिड डाल सकते हो, और इसमें ये 2 पेंसिल्स भी रिसीव होती हैं, और इस पे भी काफ़ी अच्छे कार्टून्स बने हुए हैं एनिमल एंड फ्रेंड्स के। फिर इसमें हमें ये बॉक्स रिसीव होता है जिसमें 0.3 mm की पेंसिल लिड्स हैं जो मैकेनिकल पेंसिल्स में यूज़ होती है, और इसका बॉक्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसमें मिलते हैं ये ट्रांसपेरेंट पेन टॉपर्स, पेंसिल्स टॉपर्स। अगर आपके पेंसिल्स ख़त्म हो जाती है तो इसे एट द बैक में लगा के पेंसिल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमें सेम पिंक कलर का शार्पनर मिला है, और एक इरेजर मिला हुआ है जिसमें भी काफ़ी अच्छा क्यूट सा प्रिंट है। सो इतनी चीज़ें हमें रिसीव होती है, तो मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो जो मैकेनिकल पेंसिल है वो काफ़ी पतली और लाइट लिखने में है, तो ड्राइंग के लिए काफ़ी अच्छी पेंसिल है ये। देख सकते हो यहाँ पे मैंने वेलकम टू एक्सप्लोर प्रिया लिखा हुआ है, और वेर एस मैं अब इसमें आपको ये वाली पेंसिल्स भी यूज़ करके दिखाती हूँ, जैसे शार्पन करके देखते हैं। सो इन सब की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको स्टेशनरी बाय करना हो, काफ़ी अच्छी स्टेशनरीज है फॉर द रिटर्न गिफ्ट्स।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।